आज शहर मैसूर में वो मुबारक घड़ी आई गई जिसका कई महीनों से इंतजार था। मेरा मतलब ये है कि रियाजुल जन्ना जो कल्याणगिरी में हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह अमीर शेर दामद बरकातों के हाथों इफ्तिताह हो चुका है और उन्होंने नमाज की हफाजत को लेकर सारे उलमा कराम ने कहा। अभी जो मौखिर उलमा कराम हैं बेंगलुरु से तशरीफ लाए हैं, इमरान मखसूस साहब हों और दीगर उलमा कराम, मैं उनसे दो मिनट बात करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, जमीन टीपू में आपका इस्तकबाल है हजरत, आज रियाजुल जन्ना में जो होता हुआ है उसके बारे में कुछ तासरत बताएं हजरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद रियाजुल जन्ना का आज इफ्तिताह अमल में आया, बहुत ही मुबारक है। मस्जिद के जो जिम्मेदार हजरात हैं वो जनाब रफ़ीक साहब और उनके रफ़का, ये भी बहुत ज़्यादा मुबारकबादी के काबिल हैं, और जनाब बाबा सेठ साहब वगैरह वगैरह, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत फरमाई। बहुत आलीशान ये मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। इस मोहल्ले वालों से मेरी दरख्वास्त ये है कि इस मस्जिद को आबाद करें, हमेशा इसके साथ मुतालिक रहें, सिर्फ नमाज के वक्त में नहीं बल्कि दूसरे अवकात में भी मस्जिद में आएँ और फिर जिक्र अज़कार करें, कुरान पाक की तिलावत करें। मैं ये अहले मोहल्ला से ख़ास तौर पर इस ये बात कहता हूँ कि इसका अहतमाम फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा हज़रत अमीर शरीयत दामद बरकातुहुम ने फरमाया कि बहुत ही आलीशान और ख़ूबसूरत मस्जिद तामीर फरमाई है, और ख़ास तौर पर जो सेक्रेटरी हैं हज़रत दामद बरकातुहुम के भाई भी हैं, मैं हमारे यहाँ के तमाम नौजवानों से ये कहना चाहूँगा कि इस मस्जिद को मरकज़ बनाकर यहाँ जितने भी मुसलमान रहते हैं उनका एक रजिस्टर भी तैयार करें, और साथ ही साथ उनकी तालीमी जो पसमानदगी है उसको ज़्यादा ऊपर लाने की कोशिश करें। अगर कोई बीमार है या कोई परेशान हाल है तो उन तक पहुंचकर उनकी यादत और उनकी बीमारी में उनका सहारा बनने की भी कोशिश करें, और ऐसे कोई यतीम हो या बेसहारा हो उनका सारा एक डेटा अगर कलेक्ट हो जाता है तो ऐसी सूरत में इस मस्जिद को जो मरकज़ है माशाल्लाह बहुत आलीशान भी है और बहुत खूबसूरत भी है, जो मुबारकबाद के काबिल है, तो इसे सारे तमाम कामों के लिए मरकज़ बनाकर अगर काम करें तमाम नौजवान मिलकर, बुज़ुर्ग मिलकर, उलमा मिलकर, इंशाअल्लाह इससे एक बहुत बड़ी खिदमत भी होगी और एक मिसाल भी कायम होगी। जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हज़रत के इरशाद के बाद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। शहर मैसूर के मुसलमान बहुत ही ज़्यादा काबिल मुबारकबाद हैं कि एक बहुत आलीशान और ख़ूबसूरत मस्जिद शहर में तामीर हुई, बल्कि पूरे ज़िले में और पूरे साउथ में एक तारीख़ी मस्जिद गोया शहर के अंदर बनी है। खुसूसन कल्याणगिरी के अतराफ़ व अकनाफ़ के मुसलमान इस मस्जिद की हिफाजत और इसकी आबादी और इसकी ज़रूरियात का फ़िक्र करें। जैसे बताया गया, इसे सिर्फ नमाज के लिए ना रखें बल्कि दूसरे खिदमात के लिए भी, और 24 घंटे इसका आमाल चलते रहें, दीन का काम यहाँ चलता रहे और दावत का काम यहाँ चलता रहे, इसकी फ़िक्र करें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए और इसकी तामीर करने वालों को खूब खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाअल्लाह आज मैसूर के अंदर इस मोहल्ले में रियाजुल जन्ना मस्जिद का एक इब्तिदा हुआ है जी। आज मैं इस मोहल्ले वालों को, सारे मैसूर के मुसलमानों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इस मोहल्ले के अंदर, मैसूर के अंदर एक आलीशान मस्जिद बनी हुई है। मस्जिद बनाना सिर्फ एक अच्छी इमारत खड़ाना एक मकसद नहीं है, जैसा कि हमारे उलमा ने कहा कि मस्जिद जितनी भी खूबसूरत हो यहाँ पर नमाजों की तादाद भी, मुसल्लियों की तादाद भी उसी तरीके से होना चाहिए, और इस मस्जिद का इस्तेमाल भी उस तरीके से ही होना चाहिए। और इसके साथ साथ आज हमारे उलमाए दीन ने कहा है कि मस्जिद की कमेटी जो है सिर्फ मस्जिद को ही अपना हुदूद बनाकर ना रहे, अपने मोहल्ले में जाकर देखें क्या ज़रूरत है, क्या काम करना चाहिए, किस मुसलमान के घर में क्या तकलीफ़ है और किस मुसलमान का बच्चा कहाँ पर पढ़ रहा है या कहाँ पर पढ़ने वाला है,
या पढ़ रहा है नहीं है, इसकी निगरानी में रखना मस्जिद की कमेटी वालों की ज़रूरत है और उनकी ज़िम्मेदारी भी है। तो माशाअल्लाह मैं यही कहूँगा, तो मस्जिद तो खूबसूरत बन गई है और मस्जिद की कमेटी वालों भी ऐसे ही खूबसूरती के साथ काम भी करना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ इस मस्जिद बनाने वाले टीम का, खुसूसन बाबा सेठ का और जो कंस्ट्रक्शन करे इमरान सेठ का और जो आर्किटेक्ट यहाँ पर हैं हसीब साहब का, और ख़ास कर इस अराकीन मस्जिद जितने भी हैं जो इनका सपोर्ट किए, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ और अहले मोहल्ला का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जिसने भी इसको पैसा लगाया है। माशाल्लाह एक मैसूर के अंदर एक नामदार शानदार मस्जिद यहाँ पर खड़ी हो चुकी है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इसका इस्तेमाल भी सही तरीके से और अच्छे तरीके से करेंगे। शुक्रिया।
लोगों ये मस्जिदें मरकजियत की हैसियत रखती हैं, ये मस्जिदें मरकजियत की हैसियत रखती हैं, यहीं से ही तमाम चीज़ें चाहे दुनिया की हो चाहे दीनी हो तकसीम होती हैं दुनिया में और मस्जिद के अतराफ व अकनाफ में। इसी मस्जिदों से उम्मत के दरमियान में इत्तेहाद व इत्तेफाक बाकी रहता है और इसी मस्जिदों के ज़रिए इंतशार को तशद्दुद को ख़त्म किया जाता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाजों को पांचों नमाजों को मस्जिदों में पढ़ना लाजिम फरमाया, लाजिम करार दिया, अगरचे फ़र्ज के दर्जे में नहीं लेकिन बहरहाल ये लाजिम होने के दर्जे में है। जितनी अहादीस मौजूद हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी अहादीस इरशाद फरमाई है उससे ये बात मालूम होती है कि मस्जिदों ही में नमाज की अदायगी होना चाहिए, यही इसी की ताकीद की गई है जिसकी वजह से उसको सुन्नत मुअक्कदा कहा जाता है। अगर मस्जिद को छोड़कर अगर आदमी बाहर नमाज पढ़ता है, अपने घर में नमाज पढ़ता है या अपने खेत में नमाज पढ़ता है, अपने ऑफिस में नमाज पढ़ता है, तो जाहिर बात है कि इस मस्जिद की जो 25 या 27 दर्जे की जो फजीलत है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है उनसे वो महरूम हो जाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला फिल मस्जिद तुज़ाअफ़ लहू इन सल्ला फी बैत ही और सूक ही खमसा दर ज़ाफ़न। नूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई आदमी अपने घर को अपने घर में नमाज पढ़ता है उसके लिए तो ये फजीलत हासिल नहीं होती, लेकिन अगर घर में नमाज पढ़े बगैर और अपने बाजार में और अपने मकान में नमाज पढ़े बगैर मस्जिद में नमाज पढ़ता है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तो उसको 25 दर्जे ज्यादा गुना सवाब मिलता है और एक रिवायत में है कि 27 गुना ज्यादा उसको सवाब मिलता है। तो इन सवाबों से आदमी महरूम क्यों होना चाहिए? अल्लाह को पसंद नहीं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी उम्मत के हक में हरीस थे, बहुत ज्यादा हिर्स फरमाते थे कि मेरी उम्मत के एक एक फर्द को ये दीन इस्लाम हासिल हो जाए और उस दीन में और मेरी शरीयत में जितनी फजीलतें बयान की गई हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो सवाबों का एजाज का ये वादा किया गया है वो तमाम उनको हासिल हो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस बिना पर अपनी नमाजों को मस्जिदों में अदा करना चाहिए। तो नमाज का वक्त आता है तो हम अपने घर को छोड़ें, अपने दुकान से अलग हो जाएं और फिर इसी तरीके से अपने ऑफिसों से बाहर निकलें और मस्जिद में पहुँच कर वह नमाज पढ़ें। मस्जिद में पहुँच कर नमाज पढ़ना चाहिए। हुजूर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वइंदा कुल्ली मस्जिद अब अकीमु वजूहकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, लोगों अपना चेहरा कायम रखो मस्जिदों की तरफ, यानी अपने घरों को छोड़कर मस्जिदों में अपनी नमाजें अदा करो। ऐसा ना हो कि अपने घरों में नमाज पढ़ो, फरमाते हैं वाकीमु वजूहकुम इंदा कुल्ली मस्जिद और यहाँ फरमाया मस्जिद उलमा समझते हैं कि यहाँ नकीरा किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़ो, कोई भी तख़सीस नहीं है कि फला मस्जिद ही में पढ़ो, रियाज़ुल जन्नत ही में पढ़ो या दरगाही मस्जिद में पढ़ो या अल्लाह मस्जिद ही में नमाज पढ़ो, कोई मुतय्यन नहीं है, कोई मस्जिद मुतय्यन गैर मुख़स्सिस भी मस्जिद गैर तक किसी मस्जिद के साथ तख़सीस के बगैर ये है कि आदमी मस्जिद में पहुंचकर नमाज अदा करते हैं। मैसूर के हैं
ये बता रहे हैं कि 20 साल पहले ये मैसूर से बेंगलोर मुंतकिल हो गए, लेकिन बहरहाल मैसूर का रिश्ता और उसका ताल्लुक और उसकी मोहब्बत बाकी। उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद नसीम साहब की मिलादामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना सलमान अहमद साहब मुख्तमिम दारुलूम सिद्दीकिया, मौलाना मोहम्मद सकाउल्लाह साहब दामत बरकातुहुम, मौलाना मकसूद इमरान साहब दामत बरकातुहुम, इमाम ख़तीब जामिया मस्जिद नूर, मेरे बुजुर्गों भाइयों और दोस्तों, मेरे अगर दिल की कैफियत पूछे बाकी है कि मैं हजरत अमीर शरीयत क़िबला दामत बरकातुहुम से सुनने के लिए हाजिर हुआ था। हुक्म हुआ कि कुछ अल्फाज बोलूँ हजरत अमीर शरीयत के हुक्म पर, आपके ईमा पर मैं खड़ा हुआ हूँ। इतनी शानदार मस्जिद जो बनी हुई है, इस मस्जिद की बुनियाद में भी ना चीज का आना जाना रहा है, लेकिन ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि इस मोहल्ले में इतनी शानदार मस्जिद। शेख साहब के रफ़क़ाए का जिन्होंने अभी बहुत जी इस मस्जिद के ताल्लुक से बात सुनाई, सेक्रेटरी मस्जिद हाजर जनाब रफीक साहब ज़ीदत मालिकी, बारहा उलमा से राय मशवरा करना, बात करना मस्जिद के ताल्लुक से। ये मस्जिद जो 6-7 छोटे छोटे शहीदों पर मुश्तमिल, इसको एकजा करके उसको रिकॉर्ड बनाने में बहुत ही मुशक्क़तें तकलीफ़ें झेली हैं। जनाब अय्यूब साहब जो हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं साबिक मियाँ, उन्होंने बड़ी मेहनत की इस लेन में। तनवीर शेख साहब क़िबला ने भी बहुत ही तआवुन किया इस मामले में। बहुत सारी मेहनतों के बाद ये मस्जिद आपके सामने खड़ी है। मैं आपको एक बात अर्ज कर देता हूँ, छोटी मोटी हिम्मत का बेअदबी करते हुए अमीर शरीयत क़िबला दामत बरकातुहुम के सामने मस्जिद दर हकीकत उस नस्बत का नाम है जो इस जमीन से लेकर अर्श तक का हिस्सा, जिस मस्जिद को कौम के नाम पर अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया गया वो मुकद्दस हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद नबवी तामीर की गई कच्ची, कच्चे ईंट, बारिश पड़ी तो पूरा पानी अंदर उतर जाता, कच्ची जमीन, कीचड़ हो जाती पूरी जमीन, मजबूर होकर जब बारिश ज्यादा पड़ जाता और बारिश के कतरात जमीन पर गिरते मस्जिद नबवी में, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से पहले ये ऐलान कर देते थे अला सल्लु फी रिहाली, अपने अपने सवारियों पर बैठकर नमाज पढ़ लो, ये जमीन इस काबिल नहीं है कि तुम यहां नमाज पढ़ो, कीचड़ होगी। उस जमाने में तकवा, ज़ुहद, नमाज का शौक, शौक नमाज की चाहत, मोहब्बत उस जमाने में जो थी, शायद आज के जमाने में उसका अशर अशीर भी हमारे पास नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत के करीब मस्जिदें बड़ी आली शान बनी, शान और शौकत पर लोग नाखां और फराहां होंगे, सारी दुनिया को दिखाएंगे आओ देखो हमारी मस्जिद हमने कैसी बनाई। लेकिन उसके आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वही खिराब मिन अलबदा, मस्जिद आली शान बन जाना यकीनन बाई से सवाब है, बाई से फजीलत है, लेकिन आपने उसके साथ एक जुमला जोड़ दिया और फरमा दिया कि अगर मस्जिदें नमाज में खुशू और खुशू से काबिल हो, रस्म नमाज रह जाए या नमाज ही हमारी जिंदगियों में अगर दाखिल ना हो, तो हमारा क्या ख्याल होगा कि इतनी आलीशान मस्जिद हमने बना दी, हम नमाज के पाबंद ना बने। इन्नमा यक्मुरु मसाजिद अल्लाह के मन आमना बिल्लाह वल यौमिल आखिर व अकामस्सला व आतस्सका व लम यख्शा इल्लल्लाह,
अल्लाह ताला किसको तौफीक देते हैं कि मस्जिद के, मस्जिद के बनाने का हकदार कौन है? जो अल्लाह पर ईमान रखता, यौम आखिरत पर ईमान रखता। मस्जिद नबवी में सबसे पहला जो माल लगा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, क्या इखलास से लगाया होगा माल, क्या लिल्लाह दिया उनके अंदर, क्या इखलास उन सहाबा ने। आज हमारे पास वो जज्बा नहीं रहा, वो तकवा नहीं रहा हमारे अंदर, नमाज का वो शौक शौक नहीं रहा। देखिए यहां आयतें में देख रहा था, क्या खूबसूरत आयतें हैं, यहां लिखा हुआ इन सला तन्हा अनिल फहशा वल मुनकर, नमाज बेहयाई से मुनकरात से रोकती है। وعلمنا القرآن الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله اللهم إنا نسألك علم التوحيد وعمل الإخلاص مسجد کے افتتاح کو بے انتہا قبول فرما اے اللہ تیرا گھر ہے اے اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے اس کی تعمیر کرائی ہے اے اللہ اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب مل کر اس تیرے گھر کو آباد رکھے تیرے گھر کو ہم آباد رکھے ہر وقت اے اللہ یہاں نماز اے اللہ لوگ نماز آ کر پڑھتے رہیں کثرت سے لوگ آئیں اور تیری کبریائی اور تیری عظمت کو بیان کریں تیری بڑائی کو بیان کریں تیرے سامنے کھڑے ہو کر اے اللہ اپنی عاجزی کا اظہار کریں اے پروردگار اے اللہ کثرت سے ایسے یہاں لوگ پہنچے اور تیرے سامنے گڑ گڑائیں اور تیری پاکی بیان کریں اور اپنی عاجزی کا اظہار کریں اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما اے اللہ اس مسجد کو بنانے والوں کو بے انتہا قبول فرما اے اللہ خوب خیر و برکت عطا فرما اے اللہ خوب خیر و برکت عطا فرما اے اللہ ان کے حق میں جتنی خوشخبریاں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں اے اللہ تو نے بھی اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے اے اللہ وہ تمام خوشخبریوں کا ان کو مصداق بنا دے اے اللہ تمام اے اللہ اعزازات کا ان کو مصداق بنا دے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جیسے ان کو تو نے توفیق دی تیرا گھر بنانے کی اسی طرح اے پروردگار تو آخرت میں ان کے لیے بہترین سے بہترین محل نصیب فرما Welcome to Shoppingiston. Complete COVID essential product, contact for oximeter, vaporizer, sanitizer, variety of mask call 807372-6805.